परिवर्तन, अब ये तो निश्चित है कि पर्याय परिवर्तन तो उत्पाद वैसे ही होने वाला है। अगर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया न हो तो पर्याय का विषय ही नहीं आएगा, फिर पर्याय की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन ये भी निश्चित है उत्पाद व्यय होता है, उत्पाद व्यय होगा तो पर्याय परिवर्तन होगा। अब ये क्या है, कारण का है, कार्य कारण भाव का जो संबंध बताया है, ये उत्पाद जो है व्यय है। अब ये हो गया कारण, अब ये कारण से जो है पर्याय परिवर्तन, ये कार्य हो गया। फिर उत्पाद व्यय होगा, फिर कारण बनेगा, फिर कार्य के रूप में पर्याय परिवर्तन होगा। अब ये पूरा चक्कर चल रहा है। कार्य कारण भाव को समझ लीजिए, नियम ख्याल आ जाएगा आपको, क्या कार्य कारण भाव हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। तो सीधा ये एक पर्याय का परिवर्तन, ये क्या हो रहा है, ये चक्र का है। अब ये जो चक्राकार गति है, चक्राकार चलना है, तो निरंतर चलता जाएगा, ये अनंत अनंत काल तक चलने वाला है। द्रव्य और गुण, द्रव्य भी अनादि अनंत कालीन अस्तित्व वाले, गुण भी अनादि अनंत कालीन अस्तित्व वाले, अस्तित्व बना ही रहने वाला है, द्रव्य तो नष्ट होता ही नहीं है। तो फिर जो है उत्पाद व्यय होना ही है, पर्याय परिवर्तन होगा, ये कारण आया, ये कार्य बन गया, फिर वापस उत्पाद व्यय होगा, फिर वापस कार्य कारण से पर्याय परिवर्तन होगा। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया कारण बननी है, पर्याय परिवर्तन कार्य होना ही होना है। अब यहां पर ये जो प्रक्रिया इतनी अनंत काल तक शाश्वत चल रही है साहब, अब ऐसी पर्याय परिवर्तन की ये प्रक्रिया अब आप किस में बैठाएंगे, को जीवात्मा द्रव्य है, उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ, बालक बन गया, जीवन जिएगा, मरेगा, व्यय हो गया, तो उत्पन्न होने से क्या पर्याय हुई, व्यय होने से क्या पर्याय परिवर्तन हुआ, जीवात्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत द्रव्य, फिर आया सा, फिर एक पर्याय पूरी हो गई, एक पर्याय का व्यवहार हो गया सा, ख्याल आया। अब एक पर्याय का व्यवहार हो गया, नाम स्थापना द्रव्य भाव सब किसके चल रहे हैं, अब उसके बाद आ गया, फिर उत्पाद वे होगा, फिर गया सब, कहाँ गया वो जीव, स्वर्ग में गया, क्या बना, देव बना, क्या हुआ, देव तरीके से जीवन जिया, अब उसकी मृत्यु हो गई, वो फिर वापस वहां से आया, पर्याय परिवर्तन हुआ। अब ये जो सारा व्यवहार हो रहा है, क्या लायक नहीं, अब ये कितनी बार होगा, कितना काल चलेगा, कहाँ तक चलता रहेगा। यदि मान लो महावीर स्वामी आज भी मोक्ष में नहीं गए होते तो क्या होता, तो आज भी उनका जन्म मरण चक्कर चालू रहता था। पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा आज भी अगर मोक्ष में नहीं गई होती तो कमठ तो आज भी बैठा ही है, कमठ आज भी जो है व्यंतर जाति के अंदर बैठा है, अभी भी उसके मन में जो द्वेष की आग है वो कसाय तो पड़ा ही अनंतानुबंधी का, आज भी अनंतानुबंधी कसाय की परिणति वाला है, मिथ्या वृत्ति है, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कसाय अनिवार्य रूप से रहेगा, अनंतानुबंधी कसाय के साथ मिथ्यात्व अनिवार्य रूप से बना रहेगा। देखिए जो कर्म शास्त्र वगैरह पढ़ा है उस ज्ञान का उपयोग करिए आप, अनंतानुबंधी कसाय की मिथ्यात्व के साथ की बंध स्थिति कितनी है, सित्तेर कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। अब सित्तेर कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर ये 10 जन्म तो कुछ हिसाब में ही नहीं है सर, मरुभूति के भव से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक, कमठ के भव से लेकर के आज के व्यंतर के भव तक 10 ही तो हुए ना।
अब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम लो और उनके अंदर इन सब आयुष्यों की गणना कर लो तो भी कितने हो जाएंगे साहब, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का पाव भात भी नहीं बीतेगा। और अभी उसकी कर्म प्रकृति सत्ता में पड़ी है, अब वो और कितने भव करता है, कितने भव निकालेगा। मरुभूति की आत्मा 10वें भव में पार्श्वनाथ बन के मोक्ष में चले गए, उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण साध लिया, ये बात निश्चित है। ये बैठा कमठ आज बैठा है इधर व्यंतर जाति के अंदर मेघमाली के रूप में आज बैठा है, उसकी तो बुद्धि बदली नहीं है ना। बुद्धि बदलना मतलब क्या, जब ये जीव ग्रंथि भेद करेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, इसके अनंतानुबंधी सप्तक जो है वो क्षीण हो गए, ओहो तब की बात तब है, आज दिन तक तो नहीं हुआ है। बैठा है अपनी तरफ से भगवान महावीर स्वामी को उपसर्ग करने वाला गौशाला बैठा है, भगवान महावीर स्वामी को उपसर्ग करने वाला संगम बैठा है। ये संगम के अंदर आज भी वही वृत्ति पड़ी हुई है, मिथ्यात्वी है, अनंतानुबंधी है, कसाय है, अब क्या करना है, ये बदलने वाले कब बदलेंगे साहब। इसीलिए तो गौतम स्वामी ने परमात्मा महावीर को पूछा कि हे भगवान, इस गौशाले का कभी उद्धार होगा कि क्या होगा, कैसे होगा साहब, कब होगा साहब। भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, इसलिए महावीर स्वामी सही उत्तर दे सकते हैं, केवल ही सही उत्तर दे सकते हैं। अब ये क्या चलेगा साहब, आप इधर गौशाला नाम ले लो, कमठ नाम ले लो, संगम नाम ले लो, जिस किसी का नाम लो भाई, नाम से तो खाली व्यवहार है। अब वो भी एक आत्मा है, गौशाला भी है, गौशाला एक आत्मा ही है, संगम एक जीव है, कमठ एक जीव है, उसकी आत्मा है। अब ये उत्पत्ति हुई उसकी, ये पर्याय बदली, जन्म लिया, अब वो जीवन जिएगा, मरेगा सब, अब उसकी मृत्यु होगी, पर्याय बदल गई सब। क्या पर्याय थी, कमठ पहले मनुष्य गति में मनुष्य था, तब ये पर्याय हुई, अब वो मर करके दूसरे जन्म में सांप बना, सांप की पर्याय हुई, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में क्या हुआ, पर्याय बदलेगी तब जाकर के उसके जन्म का व्यवहार होगा। ये किसके कारण चल रहा है सब, ये जो प्रक्रिया पूरी चल रही है, अब इस प्रक्रिया के चलते रहने से ये जो प्रक्रिया चल रही है, अब पर्याय जो है, पर्याय परिवर्तन होने के कारण अब ये नाम बना, अब ये नाम के रूप में आया, ये जो है ये स्थापना आकार प्रकार के रूप में आप बोलिए, हाँ जी बरोबर, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए और समझने की कोशिश करिए आप। अब क्या हुआ, जब जो पर्याय धारण किए तब उस प्रकार का नाम बना, ये नाम आदि ये सब जो है किसके साथ जुड़ रहे हैं, ये किसके लिए लग रहे हैं, ये किसके साथ व्यवहार हो रहा है, पर्याय के साथ। मूल द्रव्य क्या, तो नाम क्या, आत्मा को नाम क्या रख करके बोलावा, 1000 बकरियां जा रही है सब, अब क्या बोलो आप, किसको क्या बोलेंगे सब। अब बकरी का नाम कहां से आया, जातिगत नाम है। आपका क्या है, आपका व्यक्तिगत नाम है।
हमारे यहाँ मनुष्यों को व्यक्तिगत व्यवहार करना है, वहां 1000 बकरियों में व्यक्तिगत व्यवहार नहीं करना है, वहां जातिगत नाम से चलेगा। तो ये सारे नाम के व्यवहार आए, 84 लाख जीव योनियों के अंदर सबका व्यवहार जो है अब वहां पर किस जाति से करेंगे, जातिगत व्यवहार से। सांप सांप की जाति, ऊंट ऊंट की जाति, एलिफेंट एलिफेंट की जाति, डॉग डॉग की जाति, आप जो नाम दीजिए साहब। अब किसी का नाम आपने रखा है क्या? हाँ, आप अगर गौशाला बनाई है और गौशाला में हो तो वहां जाकर के आप अपने हिसाब से बुलाने के लिए किसी गायों का नाम रख दो। आपने किसी डॉग को अपने घर में पाला है, उस डॉग का पेट नाम आप अपने घर में व्यक्तिगत रख सकते हो। 1000 डॉग का नाम कौन रखने वाला है? अब वो नाम हुआ तो उसका आकार प्रकार क्या हुआ? सबके आकार प्रकार हो गए। एलिफेंट ऐसा है, डॉग ऐसा है, और जिराफ ऐसा है, व्हेल मछली वैसी है, गाय ऐसी है, भैंस ऐसी है, हर एक के साथ में। अब माँ छोटे बच्चे को एक एक जो है चित्र बना करके दिखाएगी और फिर उसको पहचान करा के उस पहचान को उसके स्थापना फोटो, स्थापना मतलब यहाँ फोटो ले लो, आकार प्रकार ले लो, आकृति ले लो, व्हाटएवर जो भी है, उस हिसाब से उसकी पहचान बनेगी। उस पहचान का नाम होगा, उस नाम की ये पहचान हो गई। हमारी सबके लिए यही नियम है, हमारा नाम हमारे फोटो के साथ फिक्स हो गया, हमारे चित्र के साथ हमारा फोटो हमारा नाम फिक्स हो गया। सबका अपना अपना नाम है। मैं आपका नाम बोलूं, जिसका नाम बोलूं वही समझेंगे, एक नाम से दूसरा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन अगर मूल द्रव्य के रूप में बोलो, मैं बोलूं आपको ए आत्मा बोलो, ए आत्मा बोलो, अब ये आत्मा कौन बोलेगा भाई साहब? लेकिन मैं बोलूं कांति भाई तो वो परत तैयार है, वो बोलेंगे मेरे को बोल रहे हैं साहब। ये बात आ गई कि नहीं, समझे कि नहीं? ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है ये स्थिति है। अब ये स्थापना आकार प्रकार बन गई, उसका कोई द्रव्य तो है कि नहीं है? बिना मूल द्रव्य के पर्याय किसकी बनेगी? बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होगी। अब पर्याय के लिए पर्याय का नाम, तो जो द्रव्य है, जो आत्मा है, उसी की पर्याय तो उसी का नाम है। अब वो भाई साहब किस क्षेत्र से पहचाने जाते हैं, किस क्षेत्र से कहाँ से पहचाने जाते हैं? विजय भाई मेहता जी है तो उनको बोलो भाई आप कहाँ के हैं, वो बोलेंगे मैं राजस्थान का हूँ। कहाँ के हैं, कौन से प्रदेश के हैं, तो बताएंगे अपना क्षेत्र की पहचान बताएंगे, मैं राजस्थानी हूँ, राजस्थान का हूँ, वो अपनी पहचान पूरी करेंगे। अब काल आया साहब, पर्याय बनी है तो टाइम साथ में जुड़ गया, पर्याय बनी है तो इनको बरोबर देनी पड़ेगी साहब। कौन सी पर्याय? पर्याय के अंदर क्या क्या आया है? उत्पाद व्यय है। अब आपको उत्पाद की भी तारीख देनी पड़ेगी, व्यय की तारीख देने में। अब मेहता जी को अपनी बर्थ डेट बतानी पड़ेगी और फिर जब चले जाएंगे तब डेथ की डेट भी इनके व्यवहार में रहेगी। इनके बेटे बेटी पत्नी आदि कहेंगे हाँ साहब ये इनकी डेथ की डेट है, ये इनकी बर्थ डेट है। सारा व्यवहार सब जगह पर इनकी बर्थ डेट से होगा साहब। हमारी एक बेटी की शादी करनी है तो उसको बर्थ डेट पहले बतानी है साहब। अब क्या करना साहब? उसका गांव नाव बताना पड़ेगा, किस गांव के हो साहब, कौन से हैं, कहाँ के हैं। सारा व्यवहार हमारा पर्याय के आधार पर चल रहा है। अब कोई आपको यहाँ पर जो है मूल द्रव्य है अंदर, मूल द्रव्य हमको व्यवहार में नहीं ला रहा है, पर्याय का व्यवहार हो रहा है। एक दूसरे से कोई आना जाना गेस्ट के रूप में आए मिले गए तो क्या पूछेंगे आप? केम छो, मजामा छो, तबीयत सारी छे, केम रे छे, हमणा केम चाले छे, अब क्या बेबाल बच्चे कैसे, और क्या पूछोगे? कोई आपकी आत्मा का पूछेंगे साहब? हाँ जी, आप ध्यान में रहते हो, आपकी निद्रा होती है, आपका संवर होता है, अभी आश्रव कितना कम किया, आश्रव कितना बढ़ गया है, आप कौन से संवर में रहते हो, आज कितनी निद्रा की है, अब ये कौन बोलने वाला है सब, कौन व्यवहार कौन करेगा सब, भाषा का व्यवहार ही बंद हो जाए। सारा व्यवहार पर्याय के साथ चल रहा है और सब ने ये स्वीकार कर लिया है।
परस्पर परस्पर सब ने एक तरीके से पर्याय का व्यवहार स्वीकारा है, कोई द्रव्य की बात ही नहीं करता है। ये मेहता जी थोड़े समझ करके अब आध्यात्मिक हो गए, अब कल ये जाए यहाँ से कांति भाई को वहाँ मिलेंगे तो पहले ही बात किसकी आएगी, केम छो मजामा छो तबीयत सारी छो आओ आओ बैसो बैसो लो लहसुन ले सो चाय ले सो कॉफ़ी ले सो दूध ले सो। आहार आया, शरीर आया, शरीर की पहचान आई, सीधे ही आहार पर्याय की बात आ गई। शरीर है, खाना पीना है, व्यवहार है, न कोई इनकी आत्मा की बात, न कोई इनके कुछ भी कोई बात, न कोई इनके गुण की बात। ये भाव आया, भाव में आपके गुण हैं सर, भाव के अंदर आपका स्वभाव, आपके गुण, आपके जो भी है वो सब इसके अंदर है। कल मैं जाऊंगा, मुझे कोई पूछेंगे भाई तुम साल दो साल से पढ़ा रहे हो कांति भाई के वाचे, ले उसू को कांति भाई पानी पूरी खावा वाला कांति भाई ने बोला आप अब क्या कहना, क्या मैं इनके लिए क्या व्यवहार करूं। अब इसके बाद ये भव आएगा साम, अब यहाँ पर भव, इस समय आप किस भव में हो, कहाँ हो, कौन से मनुष्य भव में हो, ये सारा व्यवहार हमारा जो चल रहा है पर्यायाश्रित व्यवहार है, द्रव्याश्रित व्यवहार नहीं है, गुणाश्रित व्यवहार नहीं है। अभी हम बात करेंगे, गुणों के पर्याय तो है ही है ना, लेकिन उसका व्यवहार कहाँ चल रहा है, कौन देख रहा है, कौन किसके साथ किस गुण की बात कर रहा है ऐसा। अब वहां पर व्यवहार की प्राधान्यता जो चल रही है पर्याय आश्रित व्यवहार है, इसलिए भगवान ने द्रव्य गुण के साथ पर्याय जोड़ करके बात की है। अब आपको जो है उत्पाद व्यय और द्रव्य में आपको पर्याय से, जगत का व्यवहार पर्याय से चलने वाला है। फिर से अमन जी थोड़ा ध्यान से समझ लेना, जगत है कैसा, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, जगत कल चलता किस तरह से व्यवहार में, उत्पाद व्यय द्रव्य से चल रहा है। आ गई बात समझ में, जगत का स्वरूप कैसा है, जगत है कैसा, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, वहां पर उसकी बात करिए। और जगत चलता है कैसे, जगत की व्यवस्था कैसे है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। अरे ये बात समझ में, तो दोनों तरफ से देखना है। अब आपको ये ख्याल आ गया, हमने बहुत पहले बात की है क्योंकि अब क्लासें चलते हुए कई महीने बीत गए तो लोग पुराना भूल जाते होंगे साहब, जगत का स्वरूप और जगत की व्यवस्था। अब क्या हुआ है, हिंदू धर्म ने, दुनिया के दूसरे धर्मों ने ये उत्पाद व्यय की बात को बैठा दी, ईश्वर के हाथ में दे दी, जगत का सर्जन किया, जगत का विनाश करेंगे, सर्जन किया है प्रलय करेंगे, बस वो ईश्वर के हाथ में सत्ता दे दी। अब वो इस रहस्य को समझ नहीं पाए, उनको इस बात का ख्याल ही नहीं आया, सोच उन्होंने जो है एक कर्ता के हाथ में पूरी सत्ता दे दी। महावीर नहा कह रहे हैं, महावीर सर्वज्ञ केवल ज्ञानी है, ये विशेषता है, इसलिए उनको अपनी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो स्पष्टता उनकी आंखों के सामने है उन्होंने साफ कह दिया। सामने कोई किसी को अन्य पदार्थ के बारे में उसको उत्पाद व्यय करना आदि करने की उनकी कोई बात ही नहीं हो रही है, समझे कि नहीं, तो किसको करना है, सभी द्रव्य अपने अपने हिसाब से। अब द्रव्य की पर्याय है तो किसकी आएगी, पांचों द्रव्य की बात आएगी, अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों द्रव्य है। अब द्रव्यों का विभाजन करके उन्होंने सक्रिय निष्क्रिय दोनों प्रकार के द्रव्य बता दी। अब किसकी व्यवस्था कैसी होगी, तो जगत स्वरूप क्या है, पहले ये बात, जगत का पूर्ण स्वरूप जो है वो द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य की पर्याय है ये द्रव्य की पर्याय, और पांचों द्रव्यों की पर्यायात्मक जगत है, पांचों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायात्मक जगत है, और पांचों द्रव्यों की पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है, उससे जगत की व्यवस्था चल रही है, संपूर्ण जगत की व्यवस्था चल रही है। अब चाहे कोई किसी भी स्थान में क्षेत्र में चला जाए
ये प्रक्रिया बरोबर सबके साथ बनी रहेगी। अब ये कहां से आया? ये व्यवहार नए में आया। जब हम सिर्फ अकेले शुद्ध आत्म द्रव्य की बात करोगे बिना पर्याय परिवर्तन की, तब वो शुद्ध द्रव्य की बात होगी। वो आत्मा 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 की बात आप करोगे तब वहां की बात चलेगी। लेकिन अब जो है जन्म मरण शरीर खाना पीना आदि आना जाना ये सारा व्यवहार पर्याय का है। इसलिए हमको भाषा व्यवहार क्या करना पड़ेगा। कल किसी की मृत्यु हो गई तो हमको नाम लेकर कहना पड़ेगा इनकी मृत्यु हुई है। आत्म द्रव्य का अभाव हो गया, आत्म द्रव्य का अस्तित्व नष्ट हो गया, ये भाषा नहीं आएगी, ये शब्द नहीं बोलने हैं। जो पर्याय जिसने धारण की थी, जिस पर्याय का जो नाम रखा गया था, आपको वही उसी नाम से बोलना है, उसी नाम से व्यवहार करना है। कौन थे भाई साहब, किसकी मृत्यु हुई है, किसका अवसान हुआ है? हाँ जी साहब, इनका अवसान हुआ है, नाम ले लो। क्या हुआ उससे? ये इनकी मृत्यु हो गई, इनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अंदर से द्रव्य समझिए, अंदर से द्रव्य गुण पर्याय को समझिए, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया को समझिए। अंदर से आप नहीं समझेंगे, मात्र बाहर जो है पर्याय परिवर्तन का ही व्यवहार करेंगे तो कुछ नहीं होगा। रात के 2:30 बजे अमावस्या के रात्रि को जब परमात्मा महावीर का निर्वाण हो गया, लोक भाषा क्या थी? सर्व सामान्य रूप से जो लोग आए थे वो उठ करके जब बाहर निकले तो सबकी भाषा क्या? महावीर स्वामी चले गए, महावीर स्वामी चले गए। सर्व सामान्य लोक भाषा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए साहब? और इधर से लोग जा रहे थे अपने अपने ग्रुप समूह में, 5, 10, 20 इकट्ठे होकर के जा रहे थे, तो स्वाभाविक है लोग रो रहे थे, लोगों को रोना आ रहा था, दुखद स्थिति थी ना, महावीर स्वामी छोड़कर चले गए। और ऐसे में सुबह में 5 बजे के टाइम गौतम स्वामी सामने आए। जब गौतम स्वामी आए और उनको देखा, इधर 10-20 जने का ग्रुप है, इधर थोड़ा आगे भी और ग्रुप है, पीछे भी और ग्रुप है, इधर भी लोग है, इधर भी लोग है, इधर भी लोग आकर है, इधर भी रो रहे हैं, क्या बात है? लोगों ने गौतम स्वामी को पहचान लिया। अरे हाँ, ये कल 14 के दिन तो समावसन में बैठे ही तो थे, ये तो कल भी तो थे, गौतम स्वामी को तो सब पहचानते हैं। तो सीधे ही लोग जो है समूह में गौतम स्वामी के सामने गए, अरे भगवान आप क्यों छोड़ के चले गए, महावीर स्वामी तो चले गए, महावीर स्वामी तो चले गए। लोगों का खुद का रोना और सबकी भाषा, उस भाषा के अंदर लोक भाषा है, व्यवहार नहीं की प्रचलित भाषा है। हम भी तो यही बोलते हैं ना लोगों में व्यवहार में। तो अब एकाएक गौतम स्वामी चल रहे हैं और लोगों के साथ में है, लोग एक के बाद एक समूह जो मिल रहा है वो यही भाषा बोलते व्यवहार कर रहे हैं। ये सुनते सुनते गौतम स्वामी की आंखें भी भीनी हो गई, उनको भी बड़ा दुख हुआ। क्यों हुआ? 30 बरस तक गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी की सेवा की है, 30 बरस महावीर की छाया में रहे हैं, 30 बरस महावीर को वंदना की है, 30 वर्षों तक महावीर की देशना सुनी है, 30 वर्षों तक परमात्मा महावीर को प्रश्न पूछे हैं, 30 वर्षों तक महावीर स्वामी हमेशा प्रश्नों का उत्तर देते समय हे गौतम, हे गोयमान, गौतम का नाम लेकर उत्तर दे रहे थे। सभा तो सब समझते ही हैं लोग। अब सोचिए आप, 30 बरस का व्यवहार जो चल रहा था वो व्यवहार अब व्यवहारात्मक भाषा में थे और उसी व्यवहार भाषा में रहे, इसलिए अचानक पहले तो उनको बिना उपयोग के पहले तो वही बात उनको मोह कर्म के साथ, मोहनीय कर्म के साथ जुड़ी हुई लगी सा।
वो भी लोगों की तरह से उसी व्यवहार में आ गए, लेकिन एक अपने आप को ज्यादा नहीं 10-20 मिनट का ही सवाल था। और जब तुरंत उन्होंने महावीर स्वामी को भी एक द्रव्य से आत्मा नाम महावीर पर्याय का नाम है, ये नाम नाम कौन है, नाम का और क्या है, कौन है, चले गए कहाँ गए, केवल ज्ञानी निश्चित रूप से मोक्ष में ही जाते हैं, केवल दर्शनी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शनी मोक्ष में ही जाते हैं। अब द्रव्य गुण पर्याय का विचार आया उनको, त्रिपदी तो यही है, महावीर तो देशना देने वाले हैं, त्रिपदी की देशना लिखने का काम तो गौतम ने ही तो किया है, लेकिन इतने जल्दी पहले उनको उपयोग में नहीं आया था। अब ये 10-20 मिनट के बाद जैसे उनके उपयोग में आई बात, विचार में आई बात, और तुरंत उन्होंने जो है उस उपयोग से सोचना विचारना शुरू किया, आखिर एक आत्मा ये तो देह छोड़कर गए, कोई देह साथ में लेकर तो मोक्ष में जाते ही नहीं है, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया, पर्याय का परिवर्तन, उनका काल पूर्ण हो गया, काल समाप्त हो गया, इस देह की पर्याय को उन्होंने छोड़ दी, और देह पर्याय छोड़ करके वो मोक्ष में चले गए। अब गौतम ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया, अब दृष्टिकोण बदल करके उस हेतु से देखने लगे, ओहो हो कैसे आत्मा मोक्ष में जाती है, कैसे आत्मा मोक्ष, ये क्या हुआ, ये उनकी अंतिम पर्याय हुई। अब सिद्ध शिला पर मोक्ष में गए, आत्मा शुद्ध द्रव्य के रूप में वहां अंतिम पर्याय, ये तो पुद्गल का पिंड था, ये पुद्गल का शरीर तो छोड़ना ही था सब। अब ये स्वरूप देख करके, मूल द्रव्य को देख करके, और जब वो अपने आप में इतने उच्च कक्षा के स्थान पर पहुंच गए, ये उनकी आत्मा के लिए तो निर्वाण होना, मोक्ष होना तो कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ। अब ये सारी प्रक्रिया देखते 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 अब गौतम खुद ही समझ गए, आत्मा का मूल क्षेत्र तो यही है, मूल काल काम तो यही है, इस कर्म के बंधन से आत्मा मुक्त हुई, संसार के बंधन से आत्मा मुक्त हुई, शरीर के बंधन से आत्मा सदा के लिए मुक्त हो गई, अभी जनन मरण के चक्कर से आत्मा सदा के लिए मुक्त हो गई। अब गौतम महावीर का ध्यान उस रूप में करने लगे, और उस रूप में ध्यान करते 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 अब खुद की आत्मा का ध्यान करने लगे, आत्मा स्वरूप ऐसा है, आत्मा स्वरूप ऐसा है। अब उनका शुक्ल ध्यान जो शुरू हो गया, इस शुक्ल ध्यान की कक्षा में गौतम स्वामी को बस बस सिर्फ अंतर्मूर्त काल में तो केवल ज्ञान हो गया। अपनी पर्याय का परिवर्तन हो गया, खुद की आत्मा के चारों गाति कर्मों का क्षय हो गया और केवल ज्ञान हो गया। हाँ, अगर गौतम जो है ये द्रव्य गुण पर्याय का मूल स्वरूप नहीं समझते, उनका आत्मा द्रव्य का पूरा स्वरूप नहीं समझते, और वो उसी मोह के अंदर अगर थोड़ा सा आर्थ ध्यान करते रहते तो वो कर्म बांधते। लेकिन अब गौतम शुक्ल ध्यान की धारा में चढ़ गए था, और जब शुक्ल ध्यान की धारा में चढ़ गए, अब उनको शुद्ध आत्म द्रव्य स्वरूप दिखाई दिया। अब वो महावीर को उस देह पर्याय में नहीं देख रहे थे, तभी केवल ज्ञान। अब गौतम को ख्याल आया, ओहो मूल द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप पदार्थ का कैसा है, और उत्पाद व्यात्मक पर्याय का परिवर्तन कैसा है, जगत चलता कैसे है, और जगत बना कैसे है, जगत का स्वरूप कैसा है। कल हमको भी जब केवल ज्ञान होगा तो हमको भी इसी प्रक्रिया में होगा, कल हमको भी शुक्ल ध्यान ही करना पड़ेगा, कल हमको भी द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन मनन करना पड़ेगा, कल हमको भी उत्पाद व्यय से होने वाली पर्याय परिवर्तन की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी,
यही करना पड़ेगा, इसके बिना शुक्ल ध्यान नहीं होता है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप, उत्पाद वे द्रव्यात्मक स्वरूप, इसके चिंतन के बिना केवल ज्ञान नहीं होता है, गाती कर्मों का क्षय नहीं होता है, और इसके बिना शुक्ल ध्यान नहीं होता है। ये प्रक्रिया उसके अंदर अनिवार्य है, ये स्वरूप उसके अंदर पूरा अनिवार्य है, निश्चित रूप से। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हमको भी यही करना है। इसी के बिना दूसरा विकल्प नहीं है। कब करेंगे? जब करेंगे तब। अब कल महाविधि में जाके करेंगे तो भी यही करना है। कल आप मनुष्य भव में यहाँ बैठ के करेंगे, कहीं भी करो, इसके सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। इसलिए ये ज्ञान आपका द्रव्यानुयोग वाला ज्ञान, पदार्थ विज्ञान का ये ज्ञान हमको शुक्ल ध्यान तक ले जाएगा। इतना उपयोगी नहीं, इतना उपकारी है। मात्र उपयोगी मत समझिए इसको, ये बहुत बहुत बड़ा उपकारी बनने वाला है। ऐसा ध्यान जब करेंगे ना, तब वो आत्म ध्यान, तब वो द्रव्य पदार्थ ध्यान, वो आपके काम आएगा। ये अब आजकल लोगों को जो इस तरह से चक्कर में चढ़ा दिया है, आना पाना सत्य, शरीर को देखो, श्वास को देखो, और आ रही है और जा रही है, श्वास को देखो, ये देखते रहो, अपने शरीर में खड़ी होने वाली संवेदना को देखते रहो, मैं साक्षी भाव से देख, ये क्या कौन सी प्रक्रिया है भाई साहब? एक 12 महीने के छोटे से बच्चे को मम्मी अंगुली पकड़ करके चलावे, ये पहली प्राथमिक कक्षा है। आप श्वास को देखते रहो देखते रहो, आप जो है संवेदना को देखते रहो, आप ये पूरी जिंदगी देखते रहो, 100 साल तक देखते रहो, कुछ भी नहीं होगा, देखते रहो 100 साल देखते रहो। इसको थोड़ी ध्यान कहते हैं, ये ध्यान नहीं है। मम्मी अंगुली कहाँ तक पकड़ेगी साहब? अब बच्चा 12 महीने का है, 1-2 साल का है, वहां तक मम्मी अंगुली पकड़ लेगी। अब वो खुद बड़ा होकर के ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल लाएगा तो वहां कोई मम्मी साथ में अंगुली पकड़े के दौड़ाएगी क्या? अब वो प्रक्रिया नहीं चलेगी, अब वहां काम नहीं है किसी आधार का। अब डायरेक्ट सीधे आत्म ध्यान में उतरिए, सीधे आत्म ध्यान की प्रक्रिया में। जो अभी अभी हमने सम्यक दर्शन की क्लास के अंदर 67 पॉइंट्स में लास्ट में 6 जो हमने लिए थे ना, 6 सरस्थान, मैं आत्मा हूँ, मैं त्रिकाल नित्य आत्मा हूँ, मैं ही कर्म का करता हूँ, मैं ही किए हुए कर्म के फल का भोगता हूँ, आत्मा का ही शुद्ध स्थान मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय ही धर्म है, सर स्थान का चिंतन करना पड़ेगा हमको। ये 6 स्थान ये हमारे चिंतन की धारा में लाने पड़ेंगे सर, ये हमारे सम्यक दर्शन के आधारभूत हैं, लेकिन यही ध्यान के रूप में भी है। इनमें आपको ध्यान केंद्रित करना है, इनमें आपको स्थिर होना है, और जब तक ये प्रक्रिया नहीं आएगी, आप दुनिया भर के मेडिटेशन का भी बहुत बड़ा बाजार है साहब आज की तारीख में, बहुत बड़ा बाजार है। बाजार में मतलब हजारों दुकानें खुली है, वो कहता है हमारे यहाँ मेडिटेशन सीखने आओ, वो कहता है हमारे यहाँ मेडिटेशन करने आओ, वो आप बाजार भी कैसा है साहब? बिल्कुल, अरे आपको 10 मिनट में समाधि लगा देंगे, 10 मिनट में समाधि नहीं लगी तो आपके 10,000 वापिस दे देंगे सर। व्यापार चल रहा है, बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। अब क्या करना सोचिए सर, कोई आत्मा की बात नहीं कर रहा है, कोई नहीं करेगा सर। अब कौन आत्मा की बात करने में उनको इतना ज्ञान चाहिए? आत्म तत्व की बात करने में केवल ज्ञानी से समझा हुआ सत्य सिद्धांत चाहिए साहब, अंतिम स्वरूप सिद्धांत का, अंतिम सिद्धांतात्मक स्वरूप आत्म द्रव्य का चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा ऐसा ध्यान काम करना। आपको कर्म क्षय करना है, निद्रा करनी है, कर्म किस पर है? कर्म आत्मा पर है, कर्म आत्मा पर लगे हुए हैं,
आत्म प्रदेशों पर से कर्म की निद्रा करनी है तो आत्म ध्यान ही काम करेगा। उसके सिवाय बाहर के ये देखो और वो देखो और ये देखो और वो देखो, ये कोई थे? ये छोटे बच्चे 12 महीने के बच्चे के लिए मामूली मम्मी अंगुली पकड़ के चलाती है, वैसा ये जो है आप श्वास को पकड़ा कर आपको दिखाया जाता है, आप उसी लेवल में रह जाओगे। ऐसे सैकड़ों लोग बैठे हैं, पूरी जिंदगी इसी में रह गए, और इतना करने पर 100-100 साल की जिंदगी तक ध्यान करने पर आत्मा क्या है समझ में ही नहीं आया, आत्मा क्या है पहचान ही नहीं पाए साहब। तो उन्होंने क्या कह दिया, ना ही कह दो ना आत्मा आत्मा कहीं नती तुम्हें पंचायत मुकी दो तुम्हें तुम्हारे आत्मा आत्मा कहीं छे नहीं। अरे मुको ने पंचायत कशुद नहीं अमा तुम्हें तुम्हारे खाली श्वास जो आना पाना सत्य है, वो श्वास आ रही है जा रही है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। અત્યારે જઈને કાંતિબીને કહો કે તમને જે છે મમ્મી તમારા છે ને આંગળી પકડીને ચલાવશે શીખવાડશે, પછી શું થશે? બે ચાર જણા આવશે તો કહેશે કાંતિભાઈ હવે આ ઉંમરે મમ્મીને આંગળી પકડીને ચાલો છો કે તમારા મમ્મીને આજ તમારો દેવ ટેકો આપો કે મમ્મી ચાલે હવે? એ ક્યાં વાત હે, સમજે કે નહીં? અબ જો તત્વ સમજેગા હી નહીં, પદાર્થ સ્વરૂપ હી નહીં સમજેગા, ઉનકી યહી દશા હોને વાલી હૈ, યહી દશા पूरी जिंदगी तक यही रहने। अब क्या करें तो क्या करें भाई साहब, स्थिति ये पूरा जगत पूरी व्यवस्था पूरा व्यवहार वो सब जो है अब पर्याय पर चलने वाला है, पर्याय में बदलाव है, पर्याय में परिवर्तन है। अब पर्याय परिवर्तन से व्यवस्था होने वाली है, हर बात में आपके पर्याय, हर बात में आपकी पर्याय से परिवर्तन, क्षेत्र द्रव्य काल भाव सब जगह पर है। क्या लगे अब नाम आपके पर्याय का नाम हो गया है, अब पूरी जिंदगी तक एक ही नाम, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक नाम। अब आप इस नाम से जो है देवलोक में जाएंगे तो वहाँ इसी नाम से पहचाने जाएंगे क्या? प्रवीण भाई आप कहाँ देवलोक में जाओगे तो देवलोक में आपको प्रवीण भाई कह के बुलाना क्या? वहाँ कौन आपको पहचानने वाले प्रवीण भाई? ये तो यहाँ जन्मे थे तब माँ बाप ने प्रवीण भाई नाम रखा था, ये नाम आपका यहाँ तक का है, यहाँ के व्यवहार तक का नाम। इस शरीर का नाम प्रवीण भाई है, इस आत्मा का नाम प्रवीण भाई नहीं है। आत्मा का नाम नहीं होता है, आत्मा अनामी है। लेकिन अब जगत के व्यवहार में क्या करेंगे? 100 आदमी के बीच में प्रवीण भाई को बुलाना हो तो ए आत्मा ए आत्मा ए आत्मा इधर आओ ए आत्मा, अरे ए आत्मा बोलोगे तो 100 जने सब आ जाएंगे। इसलिए आपको जो है ये नाम देना पड़ा है, ये जो आकार है ना ऐसे 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 ये भाई है, इनका नाम प्रवीण भाई है, अब इनको जो भी बुलाओ तो इसी नाम से बुलाना, इसी नाम से व्यवहार करना। क्या करेंगे आखिर, व्यवहार इसी तरह से चलने वाला है, और वो व्यवहार चलते 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 अब आप पर्याय नए से हो तो व्यवहार पर्याय नए से कर लो। जब आप पर्याय नए से बाहर निकल करके ऊपर उठो तब आप मूल द्रव्य से देखो, अब पर्याय से मत देखो। कल पत्नी का पति मर जाए तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को ये सोचना है, द्रव्य गुण पर्याय के बाद पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति कल ये सोचे, उस समय आपको जो है मोह कर्म मोह ममत्व घटाने में ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक ज्ञान बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। खाली गौतम स्वामी को हुआ ऐसा मत सोचिए, कल हमारे लिए यही काम आने वाला है। और सबके घर में जन्म मरण होना ही, सबके घर में जन्म मरण तो होना ही होना है, हर एक के घर में होना है, सबके व्यवहार में यही है, क्योंकि सबका व्यवहार पर्याय पर्याय का व्यवहार उत्पाद वैसे है। कभी माँ बैठी है और बेटा मरेगा, कभी बेटा बैठा और माँ मरेगी, कभी दादाजी बैठे और पोता मरेगा, कभी पोता बैठा और दादाजी, हर घर के अंदर यही तो चलने वाला है सब। अब इसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, तो वो व्यवहार का वियोग संयोग वियोग किसका है? पर्याय का है। जब दादाजी बैठे हैं और तीसरी पीढ़ी का पोता मरेगा तो दादाजी को दुख होगा,
लेकिन तीसरी पीढ़ी के पोते वाले को 90 एज की उम्र वाले दादाजी की मृत्यु होगी तब इतना दुख नहीं होगा साहब। लोग व्यवहार में सब बोलेंगे अबे 90 वर्ष ना थया छे अबे तो जाय ने मां शू मोटी बात छे 90 वर्ष ना गया एमा क्या आवे अबे क्या एमा माटे एटलू दुख करो। लेकिन कल छोटा बेटा मर जाएगा तो अरे बेचारे ने क्या देखा अभी तो कुछ भी नहीं देखा मर गया। ऐसी परिस्थितियां हो रही है ये बात आप जरूर समझ करके चलिए सुनिए। तो ये हेतु है। अब ये पर्याय की व्यवस्था पूरा जगत जो है पूरा जगत एक आत्मा की बात नहीं है। संसार की कितनी आत्माएं अनंत अनंत आत्माएं और संसार की अनंत अनंत आत्माओं को सबको पर्याय धारण करनी है। संसार में रहेगा जीव वहां तक जो है उसको पुद्गल द्रव्य ग्रहण करके अपनी आकृति पर्याय बना करके ही जन्म मरण करना पड़ेगा उसके बिना नहीं चलेगा। जब संसार ही समाप्त हो जाएगा सब कर्म समाप्त हो जाएंगे जब आप देह धारण नहीं करेंगे पुद्गल ग्रहण ही नहीं करेंगे तब आत्मा की अंतिम पर्याय वो शुद्ध रहेगी। तब तक आपको संसार के व्यवहार में यही करना है अनंत जीवों को सबको करना है व्यवहार इसी से चलने वाला है नहीं तो नहीं चलेगा।